हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर, इसी के साथ दैनिक जागरण है, उनकी इंपॉर्टेंट न्यूज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मतलब जो मेन मेन न्यूज हमारे लिए हो जाती है प्रीलिम्स के लिए, उन सारी न्यूज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आज न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आई है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। रूसा के बारे में आर्टिकल है, वो आया है। तो पहले तो कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि नीति आयोग ने, देखो आपको पता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था एक, अगर आपको नहीं पता तो फिर चलो बता देता हूँ कि नीति आयोग ने अभी क्या किया था, 117 इंडिया में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको आइडेंटिफाई किया था। मतलब वो जिले जो काफ़ी बैकवर्ड हैं, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी पिछड़े हुए, सबसे जो पिछड़े हुए जिले बोल सकते हो आप उनको इंडिया में, उनको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत हैं बट उनको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज वो नहीं किया जा रहा है, ताकि उनका ढंग से रिफॉर्मिस्ट वो किया जा सके, उनकी हालात वो सुधारी जा सके। इसके लिए उन डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है वो किया गया था। तो उसी तर्ज पे अभी क्या किया नीति आयोग ने कि 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, इनको एक्चुअली राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है इसमें ऐड किया है। मतलब इसके अंदर उनको ज़्यादा सपोर्ट वो दिया जाना है, सीधी सीधी बात यहाँ पे ये की गई है। अब बात ऐसी है कि जो 117 बैकवर्ड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, उनको देखो एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया गया है। मतलब काफ़ी चीज़ों को मिला के एक इंडेक्स तैयार किया गया है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 इसका डाटा यूज किया जाएगा। इसके साथ ही हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, इसका डाटा भी यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। एजुकेशन का डाटा है वो भी यूज किया जाएगा, और इसी के साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसके डाटा को भी बेसिकली यहाँ पे यूज़ है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नीति आयोग ने 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रूसा प्रोग्राम को अभी चलाया है, का एक इंडेक्स तैयार किया है, उसके आधार पर बेसिकली वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है क्या, फिर हम और चीज़ें समझ पाएंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब देखो एक चीज़ आपके दिमाग में ऑब्वियसली आई होगी कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि वो स्कीम जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ पैसा देती है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर करती है। तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ पैसा स्टेट को देना होगा। और बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मतलब वो स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चला रही है अपनी तरफ से पूरी, उसका सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब सेंटर केवल स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब कुछ पैसा देगा, लाइक 60% हुआ, 90% हुआ, और इवन यूनियन टेरेटरी में तो ओब्वियसली 100% ही देना होगा, क्योंकि यूनियन टेरेटरी में डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल होता है। तो अब हम बात करें यहाँ पे कि अभी नॉर्मल जो स्टेट होंगे उनमें तो दिया जाएगा 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट को खुद को कलेक्ट करना होगा। और बात करें जो हिली एरिया होता है या फिर काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन वाले या फिर आप बोल सकते हो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट होते हैं, उनको 90% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगी, 10% उनको खुद को पे करना है, और यूनियन टेरेटरी को 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देने वाली है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गई, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है नो डाउट। अब इसका भाई मोटो क्या है, क्यों ये स्कीम लेके गई थी? देखो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को देख के इसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन है ना, इनको इम्प्रूव किया जा सके। हायर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए देखो भाई फंड की तो जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और भी तरह का स्टाफ वगैरह है, तो उनको सैलरी वगैरह देना, तो मतलब पैसे की जरूरत होती है। और उसी को लेके फाइनेंशियल जो असिस्टेंट ना बोल सकते हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाने के लिए, मतलब एक स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल फंडिंग है वो देने के लिए, ताकि हमारे देश में जो एलिजिबल स्टेट के अंदर हायर एजुकेशन है उनको पैसा दिया जा सके और वो अपने आप को थोड़ा बिल्डअप है या बूस्टअप कर सकें। इसके लिए बेसिकली इस स्कीम का निर्माण है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके साथ ही आपको बताऊं इसमें होगा क्या, सेंट्रल असिस्टेंट तो देगी देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी कि हाँ भाई ठीक है आप ये लो पैसा, और उसके बाद क्या होगा स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिया के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट है उनको रिकॉग्नाइज करे कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट है उसकी हालत ठीक नहीं है, कैसे क्या है, क्राइटेरिया रखेगी, उसके आधार पर फिर पैसा उनको दिया जाएगा। तो इसमें एक नया मॉडल लेके आ गया है सेंट्रल असिस्टेंट के लिए। इसके साथ ही हम बात करें जो डिग्री कॉलेज है नॉर्थ ईस्ट के लिए या फिर आप बोल सकते हो कि हिमालयन जो डिफिकल्ट टेरेन है उसके अंदर बेसिकली इसका सपोर्ट है वो ज़्यादा किया जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का। क्योंकि देखो जो हिली एरिया होता है ना उसके अंदर फैसिलिटी बहुत कम होती है, वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, ना ही स्कूल वगैरह अच्छी होती हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पे ये फंड है उसका यूज है वो बेसिकली करने वाली है। बात करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मतलब क्या हुआ जैसे क्लासरूम है वो उसको तैयार करना है, लाइब्रेरी वगैरह बनानी है, लैब्स वगैरह बनानी होगी, टॉयलेट की फैसिलिटी है वो क्रिएट करना, इसके साथ ही आप बोल सकते हो कि और भी तरह की जो फैकल्टी वगैरह का चार्जेस वगैरह होगी वो सारी होगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस स्कीम में इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि है क्या राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान से रिलेटेड अभी कि भाई नीति आयोग ने जो 115 थे उसमें 117 को किया, मतलब 2 एक्स्ट्रा को यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो किया गया है।
ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया ना वो आया है स्टार्टअप इंडिया एकेडमिक फाइनेंसिएशन प्रोग्राम के बारे में, तो देख लेते हैं। सॉरी, स्टार्टअप इंडिया एकेडमिक अलायंस प्रोग्राम के बारे में है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट देखो यही है कि स्टार्टअप इंडिया के द्वारा एक अलायंस प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। अब हम देखते हैं कि भाई इस अलायंस प्रोग्राम में आखिर क्या तो फीचर्स हैं और क्या हमारे लिए फायदे वाली बात है। इसका देखो सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे देश में जो भी रिसर्च हो रही है ना उसका सही डायरेक्शन में यूज हो। देखो हो क्या रहा है, हमारे देश के अंदर लोग हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग कॉलेजों में बच्चों को डिग्री वगैरह सब दे दी जाती है, बट फिर दिक्कत क्या आती है कि उनको जो ही जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे उनकी एक तरीके से उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। मतलब उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा बीच में ही रह जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है और इसी के साथ जो हमारे अकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं इन दोनों के बीच में गैप होता है। एक साइड अकेडमिक इंस्टीट्यूट होते हैं और एक साइड इंस्टीट्यूट होते हैं जो इंडस्ट्री बोल सकते हो, इन दोनों के बीच में गैप इतना है, इंटरलिंकेज नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को जब सही ढंग से डायरेक्शन में प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है तो उनका टैलेंट है वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या क्यों नई कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे देश के अंदर जो भी साइंटिफिक रिसर्चर्स है ना उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाए, ताकि वो अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ की हेल्प से क्या करें, इंडस्ट्री को बिल्डअप करें। तो इससे इंडस्ट्री को टैलेंट मिलेगा और जो भी साइंटिस्ट रिसर्च हैं उनको भी एक तरीके से रिसर्च वगैरह करने का माहौल मिलेगा, मौका मिलेगा, और वो और ज़्यादा अच्छी रिसर्च है वो कर पाएंगी। ये बेसिकली इसके द्वारा स्टार्ट है वो किया गया स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, मतलब एक अलायंस प्रोग्राम इसको स्टार्ट है वो किया गया। तो हम बात करें इसको डिफरेंट फेजों में देखो बेसिकली स्टार्ट किया जाना है। इसके साथ ही एक अहम बात यहाँ पे ये आएगी कि जो इफिशियंसी आप बोल सकते हो कि जो क्वालिटी है इसके साथ ही और भी तरह की क्षमताएं हैं उनको भी यहाँ पे इंप्रूव करने पे ज़्यादा फोकस है वो किया जाएगा। मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूट है और जो इंडस्ट्री है इन दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग है, इंटरकनेक्शन स्टेब्लिश हैं वो किया जाएंगे, ताकि इंडस्ट्री की डिमांड है उसके मुताबिक इस साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्रमोट करके और जो इफिशियंसी है इसको भी बिल्डअप किया जा सके। पहला फेज है उसमें एक्चुअली ज़्यादा फोकस किया जाएगा स्टार्टिंग की, जैसे कि इंटरलिंकिंग के बारे में, फिर दूसरे फेज के अंदर और ज़्यादा टैलेंट वगैरह को इम्प्रूव किया जाएगा। तो मतलब डिफरेंट फेजेज हैं, हमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि भाई डिफरेंट फेजेज में क्या क्या होने वाला है। बस ये ध्यान रख लेना कि जो पहला फेज है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक तो रीजनल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा, इसके साथ ही टेरी स्कूल एंड एडवांस स्टडीज उसके द्वारा, और इसका टेरी आपको बताया कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एक थिंक टैंक है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी एम न्यूज़ में भी ऑलमोस्ट ये रहता है। इसके साथ ही काउंसिल ऑन एनर्जी है वो ये सब मिलके बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फर्स्ट फेज को, मतलब यहाँ पे आपस में कोलैबोरेट है वो करने वाले हैं। होगा क्या अभी इसमें, अभी रिसेंटली इसमें ही होगा कि जो स्कॉलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इन इंस्टीट्यूट से, टेरी वगैरह से हुआ या फिर काउंसिल ऑफ एनर्जी हुई या फिर बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ है रीजनल है, यहाँ से बच्चों को क्या आइडेंटिफाई करके फिर उनका जो भी टैलेंट है उनके पास जो भी इनोवेशन के आइडियाज़ हैं उनको क्या होगा स्टार्टअप पे पुट किया जाएगा। मतलब जो भी स्टार्टअप, देखो स्टार्टअप्स होते हैं ना काफ़ी बहुत सारे, उनके पास क्या कई बार आइडियाज़ नहीं होते हैं, तो उनको आइडियाज देने में बेसिकली उन स्कॉलर्स का यूज है वो किया जाएगा, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको आगे चार चांद लगाया जा सके और उनकी हालत को सुधारा जा सके। तो ये बेसिकली इसमें फोकस है वो किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आज का है वह है डबल एट ऐप शेयरिंग के बारे में, तो देख लेते हैं क्या अपराइजिंग है कहीं। देखो ये 4x8 है और अपराइजिंग है, इसका मतलब हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी यहाँ पे कीवर्ड ही पूछ सकती है कि भाई रिलेटेड किससे, क्या चीज है। तो बात ऐसी थी 1988 में क्या हुआ था, म्यांमार के अंदर जो वहाँ की पार्टी थी जिसका नाम था बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी, ये पार्टी क्या थी उस दौरान काफ़ी क्राइसिस से झेल रही थी, मतलब इकोनॉमिक हालत भी ठीक नहीं थी उस दौरान और राजनीति है उसकी हालत भी काफ़ी डामाडोल हो रही थी, और जो सोशल आप बोल सकते हो कि सोशल जो वेलफेयर का नाम था वो भी कहीं ना कहीं खत्म सा हो चुका था, गरीबी थी वो पीक पॉइंट पे थी। मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो म्यांमार कंट्री है इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी 1988 के टाइम पे। तो उस टाइम पे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी इसके विरोध में, मतलब राष्ट्र के विरोध में एक तरीके से एक मार्च, एक प्रदर्शनी स्टार्ट हुई थी, एक सिविल आप बोल सकते हो कि अशांति है वो माहौल बना था, मतलब लोगों के खिलाफ काफ़ी नफरत वाला माहौल सा हो गया था, पूरे देश में अराजकता फैल गई थी, आप बोल सकते हो कि एक तरीके से इनस्टेबिलिटी का माहौल हो गया था पूरे देश के अंतर्गत। तो इसीलिए उस राइजिंग को या उस मूवमेंट को बोला जाता है डबल एट अपराइजिंग। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि ये 8 अगस्त को बेसिकली स्टार्ट हुई थी, 8 अगस्त 1888 को, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है डबल एट। तो ये ध्यान रखना है। अभी कंटेक्स्ट ये है कि भाई इसको 30 साल पूरे हो गए तो उसी के मौके पे बेसिकली इसको यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डबल एट जो अभी शेयरिंग है ये किससे रिलेटेड है, ये अपराइजिंग के बारे में हमें थोड़ा पता हो। अपराइजिंग का मतलब होगा अराजकता, मतलब काफ़ी एक तरीके से कि अनस्टेबिलिटी हो गई थी, काफ़ी वो है लोगों में हिंसा वगैरह का माहौल बढ़ गया था, लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत थी लोगों में, वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उस टाइम पे सरकार की हालत और सोसाइटी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया था और इसीलिए वहाँ पे
राष्ट्र विरोधी माहौल वो तैयार हो गया था और अशांति वगैरह क्रिएट है वो हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है राइस क्रेक के बारे में। देखो राइस क्रेक है क्या, ये तो एक तो पहला क्वेश्चन ही बन रहा है राइस क्रेक, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट शक्ति। तो हम स्टार्टिंग यहाँ पे करेंगे पहले प्रोजेक्ट शक्ति से, तब हमें सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। देखो प्रोजेक्ट शक्ति है ना वो बेसिकली 2014 में चलाया गया था, ये चलाया गया था IIT मद्रास के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि IIT मद्रास के द्वारा 2014 में प्रोजेक्ट शक्ति है वो चलाया गया था। मोटो क्या था इसका, इसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश में हाई स्पीड ये जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनको बिल्डअप किया जाए, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया है उसमें मतलब दक्षता हासिल करनी है, उसमें अपने आप की जो एफिशिएंसी है क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली स्टार्ट जो प्रोजेक्ट शक्ति है इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब इसमें है एक तरीके से, मैं आपको और भी बताऊं थोड़ा डीपली, तो इसका मेन मोटो ये भी था कि हाई स्पीड जो इंटरकनेक्शन है, देखो आप ये जानते हो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना है, जैसे कि हम लैपटॉप से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं तो हमें डाटा ट्रांसफर के लिए केबल का यूज़ करना होता है। तो अगर उस केबल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी तो हम डाटा और भी ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो इंटरकनेक्टर्स होते हैं इस टाइप के, मतलब आपस में कनेक्ट करवाने वाले सर्वर्स वगैरह को, इन सबको भी हाई स्पीड के तौर पर क्रिएट करना, इसके साथ सुपर कंप्यूटर हैं उसके अंदर भी हमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, मतलब हमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति है वो बेसिकली लाया गया था। और अभी इसको रिसेंटली फंडेड एक फंड है वो भी दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं हम राइस क्रेक की तरफ। देखो राइस क्रेक है वो बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, मतलब काफी कम लाइट है उसका यूज, काफी लो पावर है उसका बेसिकली यूज कर रहा है वो, एक्चुअली अभी बनाया है IIT मद्रास ने। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब इंडस्ट्री के जो मापदंड होते हैं उनको यहाँ पे फुलफिल है वो किया गया है, इंडस्ट्रीज की डिमांड होती है उसके मुताबिक इसको डेवलप है वो किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इसमें फेब्रिकेशन है वो की जाएगी इंटेल कंपनी के द्वारा। देखो जब भी हम एक चीज आपको बताऊं, हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर वो बेसिकली IC वगैरह पे लगे होते हैं। IC आपने देखी होगी, एक छोटी सी चिप होती है, पतली सी प्लेट है, उस पर मीमी ऐसे लाइन बारीक बारीक सी लाइन होती है ऐसे डैश डैश के फॉर्म में, और वहां पे आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं काफी, उसको बोलते हैं फेब्रिकेशन की पूरी प्रोसीजर होती है वो। तो ये जो काम है आविष्कार, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये काम है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने का, ये बेसिकली बनाया है IIT मद्रास ने। बट इसके बाद इसको इस जो चिप वगैरह के ऊपर प्रॉपर सेट वगैरह करने का काम है वो किया जाएगा इंटेल के द्वारा, और इसी के साथ जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बेसिकली यहाँ पे यूज करते हुए इसको ऑपरेट है वो किया जाएगा। तो ये तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि राइस क्रेक है क्या, ये एक IIT मद्रास के द्वारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह की जो भी क्वालिटी है उनको इम्प्रूव है वो करेगा। इसके साथ ही हमारे डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है इससे, और भी जो अदर इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेसिकली काम आते हैं उन पर भी इसका सपोर्ट है वो किया जाएगा। इसके साथ ही जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात आती है वहाँ पर भी ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा काम है वो करने वाला है। तो ये इसको लेकर काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं, तो हमें थोड़ा इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है बेसिकली यूकाइटिक के बारे में। तो यूकाइटिया क्या है वो देख लेते हैं। यह बेसिकली एक नए मिनरल डिस्कवर किया गया है। देखो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कहाँ पे डिस्कवर किया है। एक मेटेरोइड है वो आया था, मतलब एक उल्कापिंड हमारी अर्थ पे गिरा था, ये गिरा था सर्बिया कहाँ पे आता है, बेसिकली ये आता है रसिया का ईस्टर्न पार्ट है जो एशिया वाला हिस्सा है, इस पार्ट के अंदर एक उल्कापिंड गिरा था और उस उल्कापिंड के अंदर एक नया मटेरियल या नया मिनरल है वो पाया गया था जिसका नाम आपको ध्यान रखना है यूकेटिया। तो ये इसका बेसिकली नाम है। अब इसमें था क्या क्या और भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो इसमें बेसिकली एक तो 98% तो क्या था आयरन का एलोय था, और 2% इसमें स्पेस मिनरल वगैरह चीज़ें ऐड थी। बस यही ध्यान रख लेना कि भाई यूकेटिया है वो एक नया मिनरल है जो कि मेटेरॉइड मतलब उल्कापिंड से हमें मिला है। कहाँ पर मिला है, सर्बिया के अंदर। सर्बिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है यूकेटी। तो ये आपको जाना है यूकेटी नाम की जगह है वहाँ पर बेसिकली ये मिला था, इसलिए इसका नाम यूकेटिया रखा गया है। तो ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मैत्री 2018 के बारे में। देखो मैत्री 2018 है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में और लास्ट एडिशन कहाँ हुआ था और इस बार वाला कहाँ होना है। अगर इंडिया है तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो भाई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी ये तो होगी क्लियर बात, ठीक है। किस किस के बीच में है, इंडिया और थाईलैंड, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। लास्ट टाइम जो हुई थी वो हुई थी बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है जिसका नाम है बाकलो है, 2017 में हुई थी लास्ट एक्सरसाइज बाकलो में जो हिमाचल प्रदेश में आता है, और इस बार जो 2018 का वर्जन है वो होने वाला है थाईलैंड में ही। चलो आप ये बताइए कि गरुड़ और इंद्र जो एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के बारे में। देखो पोर्तुगीज मैन ऑफ वार है ये एक तरीके की जेलीफिश होती है, आपको दिखा दो जेलीफिश कैसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है,
ये बेसिकली ओशन के अंदर पाई जाती है सरफेस वगैरह के ऊपर, ऐसे इसके नीचे वायर वायर की फॉर्म में ऐसे ऐसे रेसे से होते हैं। तो ये काफ़ी मतलब वैसे तो नॉर्मली इंसान वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बहुत कमी पहुंचाती है, बट अभी रिसेंटली आई न्यूज़ में आई है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई है क्या क्या कंटेक्स्ट है। तो ये एक तरीके की पोर्तुगीज मैन ऑफ वार है, ये आप ध्यान रखना कि एक टाइप की जेलीफिश है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली है गोवा में पाई गई है और इसके एक सबूत है, एविडेंस है, वो मुंबई में भी कुछ मिले हैं। सीन हो क्या हुआ है, सीन कुछ ऐसे हुआ है कि अभी ये काफ़ी जहरीली है, तो हुआ क्या, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को मतलब इंजरी है, काफ़ी लोगों को एक तरीके से चोट है वो लगी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि वह ब्लू बोटल के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर फ्लोटिंग टेरर, क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो लोग अगर इसको हाथ वाथ लगा देते हैं तो फिर ये मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देती है। तो ये इसके कुछ दूसरे नाम है, फ्लोटिंग टेरर और ब्लू बोटल के नाम से बेसिकली इसको जाना जाता है, क्योंकि बोटल की तरह ऊपर तैरती रहती है, तो इसलिए भी ब्लू बोटल के नाम से जाना जा रहा है। जहरीली होती है, ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारा, हुआ है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और यूपी गवर्नमेंट के बारे में। देखो, जब भी इंसान और जंगली जानवरों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट विवाद होता है ना, तो उस कंडीशन में होता क्या है, काफ़ी लोगों की जानें वो यहाँ पे जाती हैं, तो ये थोड़ा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उन चीज़ों को हम देखते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो देखो उससे क्या हुआ कि एनिमल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हिंसा का रिजल्ट वो झेलना पड़ता है। तो कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जो ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो काफ़ी जानवरों की जानें भी जाती हैं उसके साथ ही, और कई बार इंसान वो काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं और उस कंडीशन में वो जानवरों को मार डालते हैं। कई बार ऐसा तो कि जानवर इंसानों को मारते हैं, तो फिर उस दौरान काफ़ी और ज़्यादा हिंसा भड़क जाती है, मतलब कहीं ना कहीं अराजकता है, वो चीज़ों की काफ़ी इंस्टेबिलिटी हो जाती है उस वाले एरिया में, जब भी एनिमल और इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला होता है या होता है उसके बाद। तो अभी ये कंटेक्स्ट रखा गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई अगर एनिमल और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी मतलब विवाद आपस में झड़प हो रही है आपसी, तो उसको एक्चुअली डिजास्टर में काउंट किया जाएगा, मतलब स्टेट डिजास्टर फंड के द्वारा उसको पैसा है वो दिया जाएगा। पहले इसको डिजास्टर काउंट नहीं किया जाता था, तो उससे दिक्कत क्या होती थी कि जब भी जैसे ये मानो कि कोई भी शेर वगैरह आया जब गाँव की तरफ आ गया और उसने किसी की बकरी या गाय भैंस को अगर मार डाला, तो क्या लोगों में गुस्सा बन जाता था, तो लोग पहले तो देखो मुआवजे की बात करते थे, तो गवर्नमेंट क्या कि मुआवजा बहुत डिले हो जाता था, टाइम पे नहीं मिल पाता था, तो लोग और ज्यादा आक्रामक होकर क्या करते थे, जंगली जानवरों को मार देते थे। तो इससे क्या कि हमारे देश में आप बोल सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका कहीं भी कहीं नहीं, एक से आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उसको ठेस है, उसको नुकसान है वो हो रहा था और जानवरों की जाने भी जा रही थी। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने ये काम प्रावधान किया कि अगर भाई ठीक है कोई बात नहीं, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम उसको स्टेट जो फंड हो जाएगा हमारा डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, उस फंड के थ्रू पैसा देंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि पहले अगर इंसान और जानवर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उसको उसमें कोई भी जो ये है ना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इससे पैसा नहीं जाता था, बट अभी यूपी गवर्नमेंट ने प्रावधान किया कि हाँ भाई अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंसान और जानवर के बीच में तो हम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसा देंगे ताकि उस चीज़ को कंपनसेट या उस मुआवजे को पूरा किया जा सके। तो इससे एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन है वो बनेगा डिफरेंट जो आप बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट है उनके बीच में, ताकि कोई भी ऐसे इश्यूज वगैरह सामने ना आए। तो ये बेसिकली आर्टिकल था, तो इससे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके साथ ही हम छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे चंद्रयान के बारे में। तो वो चंद्रयान 2 है, इसका अभी जो नेक्स्ट चंद्रयान 2 का जो वर्जन है वो 2019 में लॉन्च करने की बात हो की जा रही है। तो ये हमें याद नहीं रखना है कि 2019 में हो रहा है, कब हो रहा है, फिलहाल जब लॉन्च हो जाएगा तब कुछ काम का होगा। बेसिकली यूपीएससी ऐसे नहीं पूछने वाली कि भाई कब लॉन्च होने वाला, आप ये बताइए। तो हम चलते हैं, तो इसके बारे में दो तीन चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो देखो ये बात ये है कि GSLV मार्क 2 है, सैटेलाइट है, उसका बेसिकली इसमें यूज़ है वो किया जाएगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लॉन्च कहाँ से होगा, हेरिकोटा से बेसिकली इसको लॉन्च है वो किया जाना है। तो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो देखते हैं। देखो चंद्रयान 2 है ना, वो एक एडवांस फॉर्म है, इसके अंदर क्या है रोवर का भी यूज़ किया गया है, ऑर्बिटर क्राफ्ट का भी यूज़ किया गया है, और इसके साथ लैंडर क्राफ्ट का भी यूज़ है वो किया गया है। तो हम तीनों को जान लेते हैं कि होते क्या हैं। देखो रोवर का मतलब तो क्या हो गया कि जो ही ये सब पहले हम समझते हैं लैंडर से, सॉरी यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लो कि यहाँ से ये अर्थ है हमारी, यहाँ से सेटेलाइट गया और ये चंद्रमा है, यहाँ पे पहुँच गया। अब जो ही ये चंद्रमा भी पहुँचेगा तो लैंड तो होगा ना, एटलीस्ट लैंड तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जो लैंड वाली चीज़ होगी उसको बोलेंगे यहाँ पे लैंडर, मतलब एक तरीके से स्टैंड लगे होंगे, तो फिर धीरे धीरे नीचे आके जमीन के ऊपर टच हो जाएगा वहाँ पे सरफेस पे, चांद की सरफेस पे, और ऐसे ही होगा लैंड, मतलब लैंड हो गया, इसको बोलते हैं यहाँ पे लैंडर क्राफ्ट। अब लैंड होने के बाद ये ऑब्वियसली क्या करेगा, मून की सरफेस पे इधर उधर मूव करेगा, तो इसको क्या करेंगे एक तरह से रोबोट की फॉर्म में इधर उधर घूमता रहेगा, तो वो काम किया जाएगा रोवर की तरह से, मतलब इसमें व्हील लगे होंगे तो इधर उधर मूव करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो वो हो जाता है रोवर। अब बात आती है ऑर्बिटर क्राफ्ट की। ऑर्बिटर क्राफ्ट का मतलब ये है, ये एक तरीके से आप सीधा सीधा बोलूँ तो जो ये
हमारा रोवर वगैरह या आप बोल सकते हो कि लैंडर वगैरह हो गए, और इसी के साथ ही हमारा जो इंडिया का यहाँ पे सिस्टम होगा जिससे ये कनेक्ट रहेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इनके बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा। मतलब ये क्या करेगा, चांद की जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे चक्कर लगाता रहेगा, और इस जो भी डाटा यहाँ से इसको मिलेगा फिर वो यहाँ पे स्प्रेड हो करता रहेगा। तो ये इसका बेसिकली ऑर्बिटर का काम हो यहाँ पे होने वाला है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही और जो रिजोल्यूशन वगैरह मतलब और भी अच्छी क्वालिटी की फोटो है वो इम्प्रूव प्रोवाइड करवाएगा ये लैंडर। और हम बात करें तो जो भी लैंडर और जो रोवर है इसके बीच में इंटरलिंक है वो तैयार करेगा। इसके साथ ही वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे यूज है वो किया जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि चंद्रयान टू है वो चांद का जो साउथ पोल है ना उस पर डिप्लॉय किया जाएगा, मतलब साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग है वो होने वाली है, जो कि ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कंट्री ने साउथ पोल पर मतलब कोई भी ऐसे भेजा हो रोवर वगैरह, तो इंडिया ऐसा काम पहली बार करने वाला है। तो ये इसको लेके कुछ न्यूज़ थी। इसके साथ ही और तो कुछ जैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, चंद्रयान वन तो ऑलरेडी हो गया था। चलो आप चंद्रयान वन के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही जो अहम बात थी वो मैंने आपको सब बता दी है। बस ये सेट को जो भी आप बोल सकते हो कि नाम हमें ध्यान रखना है स्पेसक्राफ्ट का, जिसका नाम है GSLV Mark 2, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। और हाँ, जो कल की द हिंदू डिस्कशन थी उसको आज हम दो एडिटोरियल कवर करेंगे, और कल हम कवर कर लेंगे दो दो ऐसे कवर करेंगे, क्योंकि अभी एक दो दिन थोड़ी मेरे कुछ काम है तो उसकी वजह से थोड़ी कंटिन्यूटी है उसमें थोड़ी दिक्कत है वो आ रही है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।